फ़िलहान रहीम नाजरीन अज़ीज़ तलबा वालबात आज एडवरटाइजिंग के इस मजमून के हवाले से जिस मौजू पर हम बात करना चाहेंगे उसकी बड़ी अहमियत है यानी बिज़नेस के हवाले से और अखलाकियात के हवाले से और इन दोनों का ताल्लुक आपस में क्या है इस पर आज हमारी गुफ्तु होगी क्या ये जो बिज़नेस है क्या जो एडवर्टाइजिंग है यह जो मार्केटिंग है इसकी को अखलाकियात भी होते हैं और अखलाकियात की ज़रूरत क्यों पड़ती है जिन्हें हम अंग्रेज़ी में एथिस कहते हैं क्या जो कवानीन हैं उनसे गुजारा नहीं हो सकता क्या एडवर्टाइजिंग के अंदर अगर कुछ चीज़ें काबिल एतराज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कवानी नहीं बनाए जा सकते और कवानी की मौजूदगी में फिर क्या ज़रूरत है एथिक्स की और क्या कोई चीज़ अनथिकल भी होती है एडवरटाइजिंग के बिजनेस में और मार्केटिंग में ये वो मौजूद हैं मिले जुले जिस पर हम आज के सबक में आपसे गुतु करना चाहेंगे नाज़री ये बात जहन में रहे कि कवानी और एथिक्स कानून और अखलाकियात के दरमियान बुनियादी फर्क क्या है ये हमारा मौजू तो नहीं है लेकिन एक लाइन अगर कह दी जाए तो कोई हर्ज नहीं कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी की जाए तो उसकी सज़ा होती है कानून बड़ा वाज़ और क्लियर होता है उसकी वायलेशन के नतीजे में आपको सज़ा मिलनी चाहिए आप सजा के मुस्तक होते हैं जबकि अखलाकियात के पीछे लीगल सेंक्शन नहीं होती मॉरल सेंक्शन होती है और आप ख़ुद अपने आप को वॉल्टियर करते हैं आप अपने आप को ख़ुद पाबंद बनाते हैं कि कोई मुझे देखे ना देखे मैं अपने ज़मीर के आगे जवाब दे हूँ मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैंने यह काम नहीं करना या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए तो जिसके पीछे अखलाकी ताकत हो उसको हम जबता अखलाक कहते हैं और के अंदर जबता अखलाक होना चाहिए होता है और प्रैक्टिस करने की कोशिश भी की जाती है इसके प्रैक्टिस न करने की सूरत में ख़ुद बिजनेस को नुकसान हो सकता है जिस बिजनेस करने वाले कंपनी या शख्स के अखलाकियात नहीं होते वो एक मरतबा तो बिजनेस में कामयाब हो सकता है लेकिन वो अपने बिजनेस को बढ़ावा नहीं दे सकता उसको सस्टेनेबल नहीं बना सकता क्योंकि उसका इमेज ख़राब होने का इम्कान होता है कि यार इनकी कोई अखलाकियात नहीं है ये जो बात कहते हैं उसमें अमल नहीं करते हैं। ये छूट बोलते हैं ये अंडर हैंड मैथड इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह तो अजीज़ तलबा वालबा अब हम जो हमारी गुफ्तु का आगाज आज के बाद हो रहा है इसको हम अपने दो हिस्सों पर तकसीम करेंगे पहले हिस्से के अंदर एडवर्टाइजिंग के अंदर एथिस के वजूद और उसकी ज़रूरत और अहमियत के हवाले से हम गुफ्तु करने की कोशिश करेंगे और बहस करेंगे और इसका दूसरा हिस्सा जो हमारे अगले लेक्चर में इन हम जेरे बहस लाएंगे वो होंगे कि वो सेल्फ रेगुलेशन क्या हैं वो एथिस क्या हैं और वो तंजीमें और जो बनाई गई हैं इन काम को करने के लिए उनके अपने दायरा कार की क्या सूरत हाल है तो आइए आज हम एथिक्स एंड एडवरटाइजिंग पार्ट वन में वो बातें डिस्कस करें कि इसकी क्या अहमियत है और इसका क्या ताल्लुक है और ये क्यों ज़रूरी हैं जिसे हम अखलाकियात कहते हैं या एथिक्स कहते हैं तो टाइटल है हमारी गुफग का एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग जो स्क्रीन पर आप लिखा देख रहे हैं ये उसकी एक पस मंज़र के हवाले से आप राइटिंग्स देखेंगे जिसमें हम एडवरटाइजिंग के बारे में याद दहानी करा रहे हैं कि यह क्या होती है और अडवरटाइजिंग का वो तस्वर जिसको हम एक जाम तस्वर कह रहे होते हैं जो इंटीग्रेटिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन आईएमसी के हवाले से हमने अपने शुरू के लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था उसकी अहमियत क्या है और क्यों एथिक्स की ज़रूरत महसूस हुई विद द फास्ट एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन नाउ एड इज हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग बिजनेस इंडस्ट्री

बल्कि ये अपने यूजर्स के अंदर एक वाबस्तगी और एक रॉयल्टी लॉयल्टी डेवलप करती है ताकि आप उसके साथ वफादार हो जाए इट ऑल्सो रिड्यूस द टाइम बिटवीन द परचेज एंड द कस्टमर्स टू ट्राई वेरियस न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट ये परसुएशन को प्रमोट करती है और साथ साथ परचेजेस के दरमियान वफ़े को कम करती है ताकि बार बार आप चीज़ें खरीदें उस ब्रांड की नई नई प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी तरफ आपको तरगीब दिलाई जा सके एडवरटाइजिंग इज ए प्रसुसिव प्रमोशनल टूल स्पेशली फॉर कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ आर टारगेटेड एट मैस कंज्यूमर मार्केट्स एडवरटाइजिंग इंडस्ट्री है लॉट ऑफ क्रिटिसम इन द रिस टाइम्स एज द एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस हैव नॉट ऑलवेज़ बीन एथिकल तो ये कहा गया कि ये चूँकि बहुत फास्ट अपने इन्हेंसिंग इंडस्ट्री बनती जा रही है और साथ साथ इसके फैलाव के साथ साथ फिर लोगों को शिकायतें भी आ रही हैं तनकीद भी आ रही है कि एडवरटाइजिंग जो है वो गैर अखलाक बुनियादों पर आगे बढ़ रही है अन ऐथिकल प्रैक्टिस कर रही है ये शिकायत मौसू होनी शुरू हो रही हैं आप इसकी मिसाल यूँ समझिए कि जैसे आप एक फ़ुटबॉल का मैच खेल रहे हैं आकर और आप घुमसान का अन पड़ जाता है और इस सारे घुमसान के रन के अंदर आप फाउल प्ले करते हैं और आपको पता होता है आपने फाउल प्ले किया है और आपको बाद एडवांटेज मिल जाता है और आप खुद नहीं रुकते जब तक कि रेफरी विसल ना बजाए तो इस तरह की अनथिकल प्रैक्टिस की मिसाल अगर चाहिए कोई ज़्यादा मौजूद मिसाल नहीं है लेकिन समझने के लिए कि लोग इस घमसान के रन में इस ओपन मार्केट प्लेस के, के, के मैदान में और उस फ्री मार्केट के मैदान में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं थ्रू अनथिकल प्रैक्टिस कि जी हमारी ब्रांड हमारी प्रोडक्ट हमारी सर्विस किसी न किसी तरह मुकाबले में आगे आ जाए एडवर्टीज़मेंट शुड बी सोशली कल्चरली एंड मॉरली एथिकल लोगों की डिमांड यह है कि हमारी इश्तहारबाजी की सनत जो है वो समाजी तौर पर सकाफती तौर पर अखलाकियात तो की पाबंद हो एथिकल हो किसी सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम से मुसादिर ना हो एडवर्टाइजिंग का ये काम नहीं कि वो शौरी तौर पर किसी मुआरे के समाज को बदलने की कोशिश करे इट इज़ नन ऑफ द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन एडवर्टाइजिंग का ये काम भी नहीं कि वो किसी मुशरे के कल्चर को बदलने के लिए भेजी जा रही है डिसमिनेट की जा रही है ये एडवर्टाइजिंग का ये भी काम नहीं कि किसी मुआरे के कल्चर और उसके मजहब को ये कन्फ्रंट करने की कोशिश करेगी कि ये हमने तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू समाजी तब्दीली लेकर आना है इस तरह की कोशिशें काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं और काउंटर प्रोडक्टिव होने के नतीजे में वो प्रोडक्ट जो आप इसके साथ सेल कर रहे होते हैं उसके रस्ते में मजामत पैदा होती है लिहाजा इट मस्ट नाट बी दी एम ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन कि आपने इसके साथ साथ कोई कल्चर अपना जो है कोई ले कर आना है वो तो होता है लेकिन किसी कल्चर को से मुसादिम होना है ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते अगरचे बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं तो ये बताती हैं कि जो प्रोडक्ट आती हैं वो तो साथ साथ अपना कल्चर भी कैरी कर रही होती हैं दीज एडवर्टाइजिंग कैंपेंस आर वैल्यू लेडन बाई एंड लार्ज कभी महसूस नहीं होता लेकिन आप बरा रास् किसी वैल्यू सिस्टम से कन्फर्म ना करें उसके से मुतब ना हो और आप जो कल्चर लेके आ रहे हैं अगर वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं है कहीं ना कहीं, कहीं अपनी निशानियाँ छोड़ जाएगा इट विल वर्क एंड इट नॉर्मली वर्क लेकिन ये बर रास कन्फर्म नहीं करना चाहिए उस इंडिजनस कल्चर के साथ उस मुशरे के की सकाफत के साथ या समाज के साथ जिस मुआरे और समाज में जिस कल्चर में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो क्योंकि ये हमारा मकसद नहीं है हमारा मकसद ये कि हमारी प्रोडक्ट और सर्विस को कबूलीत हासिल हो तो कबूलीत हासिल करना प्राइम ऑबजेक्टिव है किसी मुआरे के कल्चर को तब्दील करना मस्ट नाट बी दी प्राइम ऑबजेक्ट अब हम देखते हैं कि इन टूडेज कम्पिटिटिव मार्केट इट्स फ्री फॉर ऑल दस एडवर्टाइजर्स आर समाइम्स फॉलोइंग दी अनएथिकल प्रैक्टिस टू फाइट द कंपटीशन। ये मैंने अभी शुरू में किया कि कम्पटिशन की मार्केट में लोग अनथिकल प्रैक्टिस के जरिए आगे आने की कोशिश करते हैं फॉर मैनी ईयरस द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हैज़ प्रैक्टिस प्रमोटेड वॉल्ट्री सेल्फ रेगुलेशन फिर यह कि सेल्फ रेगुलेशन इंडस्ट्री में इसका वजूद सामने आया मोर्स एडवरटाइजर्स एंड मीडिया रिकग्न द इम्पोर्टेंस फॉर मेनटेनिंग कस्टमर्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस चूँकि कस्टमर का जो एतमाद है और उसकी लॉयल्टी जो है वो और उसको कायम करना उसको विन करना उसकी ट्रस्ट को और फिर उसको कायम करना ये बड़ी बुनियादी बात है आप एक मरतब तो किसी कस्टमर को आप पार्टिसपेट कर सकते हैं लेकिन आप उसको मेनटेन उस सूरत में करेंगे आप वो ट्रस्ट उस सूरत में कायम होगा जब आप एथिकल होंगे अगर आप अनएथिकल होंगे तो वो सस्टेनेबिलिटी कभी कायम नहीं हो सकेगी कोई एतबार कायम नहीं होगा लिहाजा इसलिए एथिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके बिजनेस के लिए भी एथिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके गाह को कायम करने के लिए भी आपके साथ वाबस्तगी कायम करने के लिए उसकी लॉयल्टी को इस्तेकाम देने के लिए भी सो सर्कल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन एडवर्टाइजिंग इज बेसिकली नीड ऑफ आवर

यह ज़माने के हवाले से और माशरे के हवाले से वो सही और अच्छा समझा जाता हो बाई कॉमन कंसेंट वेरियस मोड्स ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट आर व्यूड एज गुड और बैड एथिक्स आर मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू दैट गवर्न द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप एथिक्स इज ए चॉइस बिटवीन गुड एंड बैड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बड़ा वाजह है इट इज़ गड बाई ए सेट ऑफ ऑफ एट ए गिवन टाइम एंड एट ए गिवन प्लेस एंड इन ए गिवन सोसाइटी सेल्फ रेस्पेटिव बात है कि ये एक ऐसे असूलों का नाम है जो आप एक माशरे के लिए तय करते हैं इस पर आपका कंसेंस डेवलप होता है जिसकी आप अप्रूवल देते हैं उस जमाने के हवाले से उस सोसाइटी के हवाले से गिवन टाइम के अंदर गिवन प्लेस के अंदर एथिक्स इज रिलेटेड टू ग्रुप बिहेवियर इन अल्टीमेट एनालिसिस सेटिंग नॉर्म्स फॉर एन इंडिविजुअल टू फॉलो इन कंसिस्टेंस विद ग्रुप नॉर्म्स ये एक इज्तमाही ग्रुप के हवाले से तय किया जाता है लिहाजा एक इंडिविजुअल जो है वो उस ग्रुप नॉर्म्स के साथ मुताबकत पैदा करने की कोशिश करे ए एक पर्टिकुलर एक्शन मेन विद इन विदिन लॉ And still not be ethical. Target marketing is a good example for this. The alcoholic beverage companies promote their brands and target not only college students but underage drinkers as well in the Western countries. These advertisements have increased alcohol related problems. Advertisements exposing pornography is another. सीरियस ईशू इन एडवरटाइजिंग इंडस्ट्री टूडे एडवरटाइजिंग प्रमोटिंग परमिसवनेस एंड ऑब्जेक्टिफाइंगली क्रिटिसाइज इन टूडेज कम्पटिशन खासतौर पर देखें यहाँ जो बात की गई है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं अल्कोहल के हवाले से है कि नौजवानों में कॉलेज के नौजवान में हती के अंडर एज बच्चों के अंदर उसे प्रमोट किया जा रहा है एडवरटाइजिंग के जरिए फिर साथ ये बताया गया है कि यहाँ आप ये इसको देखें कि जो क्रिटिसज है पोर्नोग्राफी है जिसे हमारे यहाँ नंगपन कहते हैं महाशी कह सकते हैं इस किस्म के एलिमेंट्स जिसमें आप अपने बॉडी ऑर्गन्स की डिस्प्ले करने की कोशिश करें इस किस्म की एड्स इस तरह के एलिमेंट्स इन अनथिकल प्रैक्टिस के बारे में क्रिटिसम जो है डेवलप हो रहा है और माशरे के अंदर सोसाइटी के अंदर एक रिएक्शन डेवलप हो रहा है ये अलहदा बात है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी भी बात चीज़ों के बारे में इंसेंसीटिव होती चली जाती है जो चीज़ें दस साल पहले जो थी माशरे के अंदर काबिल कबूल नहीं थी आज वो काबिल कबूल होती जा रही है उस पर एहत नहीं होता कहा जा सकता है कि दस साल बीस साल पहले औरत और मर्द हाथ मिलाते हुए नहीं दिखाए जा सकते थे अब अमूमन के साथ ये टेस्ट किया जाता है कि औरत और मर्द हाथ मिला लेते हैं और वो एहतजाज नहीं होता क्योंकि सोसाइटी के अंदर इनसेंसिटिविटी डेवलप हो चुकी है तो इसलिए कहा गया एट ए गिवन टाइम वक्त के साथ साथ कि एक वक्त में वो चीज़ ममनू थी या माशरे के अंदर अच्छी नहीं समझी जाती थी लेकिन वक्त बदल गया तो वही चीज अब माशरे में बुरी नहीं समझी जाती तो ये सब बातें एथिकल प्रैक्टिस के हवाले से बड़ी अहम हैं जिनका ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है इन टूडेज़ कम्पटिटिव एंड बायर्स मार्केट एंड एडवर्टीजमेंट हैव टू बी ट्रूथफुल एंड एथिकल इस ज़माने के अंदर सच्चा होना और एथिकल होना कि यार नहीं अनथिकल नहीं होना सच बात भी होनी है और अनथिकल भी नहीं होना इफ एन इज मिसलीडिंग फॉर एग्जाम्पल क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लॉस्ट अगर वो गुमराह कर रही है इश्तिहार के जरिए तो वो जो कंपनी का जो एक एतमाद है वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा मुतासर होगा टू व्यू द द्रूथ इन एडवर्टीजमेंट इट हैज टू बी सीन फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू रादर दैन फ्राम लीगल पॉइंट आप अगर देखना चाहें कि इश्टार में कितना सच है तो आप ग्राहक से पूछिए ग्राहक का नुत नज़र मैटर करेगा न कि कानूनी बात कानूनी अतबार से बड़े सेफ मैथड्स हैं सच साबित करने के लिए लेकिन सच महसूस होता है कस्टमर की ज़बान से जब कस्टमर की बात करेगा उसकी बात में वजन होगा इसलिए क्या सर टारगेट ऑडियंस तो वो है तो टारगेट ऑडियंस की की का व्यू पॉइंट वो अहमियत रखता है मोर देन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दटाइन इंडस्ट्री हैज बीन फ्रीक्वेंटली फॉर पुटिंग आउट मिसलीडिंग और एग्जीगरेटेड क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक तो ये है कि जी इत, इतराज़ किया जा रहा है कि अक्सर इशदारों के अंदर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है एक चीज और फिर यह कि कुछ मुबालगे से काम लिया जाता है बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को पेश किया जाता है ये भी एक एतराज़ उठाया गया है इसी तरह गुड्स एंड सर्विसेज जो एडवर्टाइज की जाती हैं उनके अंदर इन चीज़ों को बदरजा उत्तम देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो मुबालगे से काम ले रहे हैं और किस तरीके से कस्टमर्स को मिसलीड किया जाता है थ्रू दी एडवर्टाइजिंग कैंपेन और गुड्स एंड सर्विसज इट इज़ ऑल्सो परसिव्ड एज ग्लोरीफाइंग सर्ट हैबिट्स और टेंडेंसीज रिगार्डिड एज़ अन डिज़ायरेबल एंड इनक्रेजिंग कंज्यूम कि आप ऐसी चीज़ें माशरे के अंदर इनक्रेज करना चाह रहे हैं जिनको मुआरे के अंदर ऐसी आदात और ऐसी टेंडेंसी जिनको अच्छा नहीं समझा जाता तो आप इनको इनक्रेज कर रहे हैं कि कंज्यूमर जो इनको अडाप्ट करें लिहाजा कहा गया कि यह भी एक एतराज है कि कोई जिम्मेदारी भी तो है हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ें नहीं देखनी जिम्मेदारी के से भी देखनी है कि यार ये चीज़ें हम प्रमोट तो कर रहे हैं कानूनी तौर पर तो ठीक है लेकिन मुआरे में ये आदत अगर फ़रोक पा गई तो ये मुशरे के लिए बेहतर नहीं है यहाँ पर हम इसे कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर ऑन द पार्ट ऑफ दैट इज़ एडवर्टाइजर ऑन द पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट ए क्लियर लाइन ऑफ डिफ्रेंस बिटवीन वट इज़ ट्रू एंड वट इज़ अन ट्रू अगर चाहिए मुश्किल काम है कि क्या सच है और क्या सच नहीं है बट द एडवर्टीजमेंट एज सच इज़ जज्ड बाई इट्स इम्पैक्ट एंड बाई इक्सेप्टेंस बाई दस्टमर एक तो इसका इम्पेक्ट क्या है इस एडवर्टाइजिंग कैम्पेन का और फिर ये कि कस्टमर उसकी कबूलियत का लेवल क्या वो कैसे इसको एक्सेप्ट कर रहा है कैसे परसीव कर रहा है ये दो चीज़ें बहरहाल अहमियत का हामल है दी प्रोडक्ट मस्ट फुलफ़िल दी एडवर्टाइज क्लेम जो दावा आप करते हैं क्या उस पर आपका इश्तहार पूरा उतरता है आपकी प्रोडक्ट पूरी उतरती है जिस इश्तहार में आपने दावा किया कि ये हमारी प्रोडक्ट जो है इसके अंदर ये खूबियाँ पाई जाती हैं क्या वो ख़ूबियाँ पाई जाती हैं तो आपका क्लेम जो है सच पर मबनी है ये चीज़ें एथिक्स डिमांड करते हैं कि जो आप कह रहे हैं हजूर वो चीज़ उसमें होनी चाहिए

अपसेंटी और डिसेंसी अगेन इस रिलेटिव टर्म उस माशरे की डिसेंसी के मुताबिक उस माशरे की लेवल ऑफ अपसनिटी के मुताबिक एंड अगेन फ्राम टाइम टू टाइम कि जो वक्त है उस वक्त में क्या वो चीज़ उस माशरे में अपसिन कंसिडर होगी और क्या उस वक्त में वो डिस कहला रही है लिजा ये टाइम का मामला और वैल्यू का मामला इज इज़ ए रिलेटिव टर्म विद रेफरेंस टू सोसाइटी इट मस्ट बी ट्रूथफुल गैम्बलिंग इज ऑल्सो सम विच इज़ इलीगल इमोरल अनथिकल लिहाजा इसके इश्तिहार को उसमें बयान नहीं किया जाता इसकी मिसाल यहाँ दी गई है एडवरटाइजिंग इज ए सोशल प्रोसेस कि ये तो समाजी अमल है ठीक है दस इट मस्ट फॉलो दस्टेड नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर एन शुड नाट अ फ्रंट अवर मॉरल सेंस ये मैंने शुरू में किया कि एडवरटाइजिंग का ये काम ही नहीं है कि वो उस माशरे की वैल्यू सिस्टम के साथ मुतम हो और कह जी हमने तो वहाँ की वैल्यू चेंज करनी है जी ये बड़ी बैकवर्ड है अगेन दिन ऑफ द तो बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग ये हमारा काम नहीं है ये सोशल रिफॉर्मर्स का काम है वो जाए ये काम करते करें एडवरटाइजिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है अगर आप इस ऑबजेक्टिव को लेकर चलोगे तो आपका सेलिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो पसे पसमंदर में चला जाएगा एथिक्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी दैट पॉइंट अस टूवर्ड्स द राइट और बेस्ट वे टू तो एक्ट इन ए सिचुएशन। असल में एथिक्स ऐसे जबते ऐसे रूल्स और कंडक्ट या उसूलों का नाम है अखलाकियात के जिसे हम कहते हैं जो हमारी नामानदेही करता है बताता है कि क्या चीज़ बेहतर है क्या चीज़ सही है उस सिचुएशन में एक ख़ास सूरत हाल में जिससे आप गुजर रहे होते हो एथिक्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू अब हम पढ़ेंगे सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग एडवरटाइजिंग मेड्स मैस सेलिंग पॉसिबल ज़ाहिर एडवर्टाइजिंग के ज़रिए हम प्रोडक्शन में इजाफ़ा करते हैं मैथ सेलिंग होती है बड़ी आम सी बात है एडवरटाइजिंग इज ओमनी प्रेजेंट एडवरटाइजिंग क्रिएट्स ब्रांड फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एडवरटाइज ये वही बातें हैं जो एडवरटाइजिंग से मुतलिक है इट अलाइज इन्वाइट्स एंड कंज्यूमर्स एलॉन्ग विद इट्सल टू क्रिएट इमेज फॉर द प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल यूज वाइटी ऑफ थिंग्स लाइक ड्रामा म्यूजिक एक्शन रोमांस इमोशन सेक्स एनीमेट एंड फंक्शनल कैरेक्टर्स एंड सो ऑन अजीज तलबा तलबा ये जितनी बातें यहाँ बयान की गई हैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रामा इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूज़िकल अप्रोच हो सकती है एक्शन आ जाएंगे रोमांस आएगा इमोशन आएंगे, सेक्स है एनीमेटड है ये सब वो करेक्टर्स हैं जिनके इस्तेमाल के दौरान इस चीज़ का इम्कान है कि कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में हम अनथिकल हो जाए तो अनथिकल होने के इम्कान मौजूद हैं लिहाजा शौरी या गैर शौरी तौर पर इस चीज़ का इम्कान है कि हम अनथिकल हो जाए नीड टू बी केयरफुल कि इफ़ यू आर यूजिंग ड्रामा इफ़ यू आर यूजिंग इमोशन इफ़ यू आर यूजिंग रोमांस दैन यू नीड टू बी अलर्ट रिगार्डिंग रिस्पांसबिलिटी कि आपकी जिम्मेदारी क्या है आप कहीं उनके वैल्यू सिस्टम से कन कन्फर्ट तो नहीं कर रहे हैं। कहीं आप ऐसी बात तो नहीं कर रहे जिससे मसाइल पैदा हो जो अनथिकल हो जाए इट नॉट ओनली इन्वाइट्स कंज्यूमर्स टू ट्राई देयर पाउडर्स और सर्विस बट ऑल्सो इनवाइट पब्लिक ये जब सब काम आप कर रहे होते हैं बड़ा मज़ा आता है इस बड़ा अच्छा तरीका प्रमोट करने का लेकिन साथ साथ ये आप क्रिटिसम भी इन्वाइट कर रहे तो लोग कहते हैं यार ये तो ठीक है लेकिन इनको ये नहीं करना चाहिए था यार ओहो बड़ा मज़ा आया ड्रामेटिक स्टाइल था लेकिन यार ये इसमें वो पहल्यू जो था ये काबिल इतराज था इन्होंने सेल करने के चक्कर में कंपटीशन में आगे आने के लिए इस अनथिकल मेथड को भी इस्तेमाल किया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था तो क्रिटिसिज्म भी साथ साथ आएगा मच ऑफ द कंट्रोवर्सी स्टेम्स फ्रॉम द वेज मैनी कंपनीज यूज एडवर्टाइजिंग एज ए सेलिंग टूल एंड फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटीज टेस्ट वैल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा एडवरटाइजिंग कंट्रीब्यूट टू हैव बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन्फ्लुन्स ऑन सोसाइटी इट इज़ क्रिटिसाइज फॉर एनक्रेजिंग मटीरियलिजम मैनिपुलेटिंग कंज्यूमर टू बाई थिंगस दे डू नॉट नीड स्टीरियो टाइपिंग फ्रोडुलेंट एंड साम हैं कि एडवरटाइजिंग के जरिए क्या क्या हो सकता है उसके बारे में यहाँ बताया गया मैनिपुलेशन होती है मटीरियलिज्म फ़्रो पाता है स्टीरियो टाइपिंग होती है वग़ैरह वगैरह क्रिटिसिज्म कंसर्निंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन सोसाइटी यहाँ पर अब ये गुफ्तु की जाएगी कि सोसाइटी और एडवर्टाइजिंग के दरमियान जो रिलेशनशिप है किस तरह का तासर एडवर्टाइजिंग का माशरे पर पड़ता है किस तरह का माशरती जो है वो माहौल पॉजिटिवली या नेगेटिवली मुता होता है एडवर्टाइजिंग कैम्पन से उस पर भी इतराजात उठ रहे हैं इतराज़ा क्या हैं उस पर हम बात करते हैं पफरी और प्रोडोलेशन वेरी ऑफन वी हीर दैट एडवर्टिजमेंट एक्ज्रेट्स अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटीज़ ये तो हम सुनते रहते हैं कि जी ये बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश करते हैं मवालगे से काम लेते हैं नाउ इज पफरी दैट इज़ मेटाफोर ऑफ आइडियाज ये तवर आ गया फॉर्म्स टू बी मेन एलिमेंट इन एडवर्टाइजिंग तो कहते हैं जी कि मेटाफर जो है वो दरअसल एक मेन एलिमेंट के तौर पर एडवर्टाइजिंग के अंदर अपनी जगह बना रहा है ऑन वन हैंड क्रिटिक्स एक्यूज इट वायल ऑन द अदर डिफेंडर्स दैट इज एडवर्टाइजर्स एंड एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स हो पाइंड इट एज ए हेल्पिंग एजेंट टू डिफ्रेंशिएट देयर ब्रांड्स फ्राम कॉम्पिटिटर्स बफरी इज कंसिडर्ड टू बी एन ओपिनियन

क्या चीज़ मुबालगा है और क्या चीज़ हकीकत है लेकिन एट फर्स्ट प्लेस उसके धोखा खा जाने के इम्कान तो रहते हैं मोर ओवर दे आर नाट ब्लाइंडली गोइंग टू बिलीव एवरी थिंग एज सच प्रेजेंटेड इन एन एडवर्टीजमेंट बफरी दो लीगल बट इज़ नाट हार्मफुल टू एन एक्सटेंट बट फॉल्स क्लेम एंड डिसऑनेस्टी आर अनथिकल प्रैक्टिस एंड रेगुलर डिसप्शन लीज टू लूजिंग कस्टमर्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अब यहाँ देखें यह कहा गया है कि जी फॉल्स क्लेम और डिसऑनेस्टी इसका शुरू में भी जिक्र आया कि अगर आप झूठा क्लेम करते हैं आप कोई दावा करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में और वह दावा प्रैक्टिस के नतीजे में एक्सपोज हो जाता है कि जो आपने ऐलान किया जो आपने दावा किया इश्तहार में अमूला हकीकाता आपकी प्रोडक्ट में वो चीज़ नहीं थी या आपकी सर्विस में वो चीज़ उन्हें कहीं नज़र नहीं आई तो आप क्या करते हैं यू लूज़ द क्रेडिबिलिटी आप लोग लो आप पर एतमाद नहीं करते और तो जब एतमाद नहीं करते और उसके बाद में अगली बात यह है कि जब आप रेगुलर डिसेप्शन करते हैं एक को तो धोखा दे दिया एक बार फिर यह के तस्सु के साथ ये काम जब जारी रहता है इस डिसेप्शन के अंदर रेगुलरिटी जब आ जाती है तो फिर क्या होता है लीड्स टू लूजिंग कंज्यूमर्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस तो फिर ये कस्टमर का जो एतमाद है और उसका जो जो एतबार है दोनों चीज़ें आप खो देते हैं जब आप कस्टमर का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो फिर रह क्या क्या एडवरटाइजिंग स्टैंड वेयर तो आपकी पूरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो नतज के एतबार से सिफर हो जाती है इसलिए कि आपका टारगेट कस्टमर जो है ना पर ट्रस्ट करता है ना पर आपदा करता है तो ये डिज़ास्टर है, तो है। लिहाजा एथिस कितनी अहमियत का हामिल है कि अगर आप एथिकल होते तो आप अपने कस्टमर का का केतम भी कायम रखते और वो एतबार भी कायम करते लेकिन आपने अनथिकल होने की कोशिश की आपने शॉर्टकट मारने की कोशिश की आपने धोखा देकर आपने लेवल पर अपनी चीज़ें सेल करने की एक शॉर्टकट वाली कोशिश की नतीजा क्या है कि वक्ती तौर पर तो आपको कामयाबी हुई लेकिन लेटर ऑन लेटर ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए कि आपने अपने ग्राहकों को lose in terms of trust and confidence, which is a disaster. Is it untruthful or deceptive? Isi Deceptiveness is defined as not only as false and misleading statements, but also as false impressions conveyed, whether intentional or not. False and subjective claims about the products are sometimes believed but are untruthful and misleading. Sometimes people believe it, but they are untruthful and misleading. The problems of untruthful or fraudulent advertising exist more at the local level and in specific areas, such as mail order, telemarketing, and the following acts are considered अनफेयर और डिसप्टि प्रैक्टिस बताया गया कि मोस्टली टेरी मार्केटिंग में और लोकल लेवल की चीज़ों पर ये चीज़ें होती हैं इस तरह की और आगे चल कर उन्होंने बताते हैं कि फॉलोइंग एक्ट्स आर कंसिडर्ड अनफेयर एंड डिसप्टिव प्रैक्टिस इसकी मिसालें दी गई है कि ये वो अमलियात हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये कैटेगरी में फॉल करते हैं जिस कैटेगरी को हम डिसप्टिव प्रैक्टिस की कैटेगरी कह सकते हैं नंबर वन फ़ॉल्स प्रस कि आप झूठे वादे करें ये इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं जिसको हम डिसेप्टिव प्रैक्टिस कहते हैं डिसेप्टिव प्रैक्टिस धोखा देने का अमल की कैटेगरी के अंदर और भी चीज़ें शामिल हैं अगली बात कही गई इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्टिव इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ये है कि आप अधूरा दावा करते हैं उसको वादे नहीं करते इसको यूँ अगर हम देखें कि फाल्स प्रामिज कर रहे हैं आप इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं चीज़ों की मिसलीडिंग कंपेरिजन गुमराह और मुकाबला कर रहे हैं बाद जाली मुकाबला करा देते हैं इसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं क्या आप ड्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं आप या किसी डिटर्जेंट पाउडर के बारे में कर रहे हैं दूर से दिखाते हैं कि इस पाउडर का मुकाबला किया इस पाउडर के साथ भाई वो पाउडर कौन सा है और फिर इस पाउडर का मुकाबला किया हमारे इस पाउडर के साथ जिसका नाम बताते हैं आप और करने के बाद अपने पाउडर को जिता देते हैं तो इस तरह की जो जो कंपटीशन है इसकी एक और मिसाल भी दी जा सकती है आपको याद होगा कि एक इश्तहार पाकिस्तान में आ, एक कंपनी ने चैलेंज कर दिया कि एक आ, आ, ड्रिंक के के एडवर्टाइज़र ने दिखाया कि जी उसके ड्रिंक के अंदर दूसरे ड्रिंक को एक आ, ड्रिंक करने वाला बंदा गोली मार रहा है कि उसके ड्रिंक को तो पसंद कर रहा है और दूसरे ड्रिंक को गोली मार रहा है उस ड्रिंक का नाम नज़र नहीं आ रहा लेकिन बोतल से साफ अंदाज़ा हो रहा है कि वो किसी और कंपनी के ड्रिंक को गोली मार रहा है एक तो नेगेटिव अप्रोच आनेथिकल अप्रोच और इस तरह का मुकाबला करवाया गया उसको चैलेंज किया गया लेकिन बाद आनेथिकल प्रैक्टिस होती हैं और दूसरी कंपनी चैलेंज नहीं करती कि तो यार इसको चैलेंज करके और इसको जो है वो शहर देना होगा और साथ साथ ये कि इतने अखराजा इस पर लगाने की ज़रूरत क्या है लेकिन लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं इस कंपटीशन में यह कहते हैं यार हमें कौन चैलेंज करेगा चैलेंज करेगा उसके अखराज भी ज़्यादा होंगे और हमारी सी कैटेगरी की प्रोडक्ट जो है उसको खाम खा की पब्लिसिटी मिलेगी तो वो ये अनथिकल प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं विच इज़ अनथिकल विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट लेटर ऑन और इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए इसके लॉन्ग रन में मनफी असरा ही मरतब होते हैं आपकी सेलिंग के ऊपर इसी तरीके से बेट एंड स्विच ऑफर्स इसी तरीके से विजुअल डिस्ट्रॉशंस बेशुमार चीज़ें हैं आप देखते हैं कि विजुअल को डिस्टॉर्ट करके पेश कर दिया जब विजुअल को डिस्टॉर्ट करके पेश करते हैं आकर तो वहाँ पर हम समझते हैं कि किसी चीज़ को तोड़ मोड़ कर पेश करना विजुअल्स को किसी और अंदाज़ में अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना यह ज़ाहिर है अखलाक की खिलाफ वर्जी है ऑल एथिकल प्रैक्टिस फॉल्स टेस्टिमोनियल झूठा टेस्टिमोनियल आप ले आए कि जनाब मैं ये कहता हूँ कि जनाब ये बहुत अच्छी है आप सिलबर्टी को ले आते हैं या जाली सेलिब्रिटी को बीच में लाकर आप डालने की कोशिश करते हैं फॉल्स कंपैरिजन की मिसाल मैंने दी पार्शल डिस्क्लोजर्स स्मॉल प्रिंट क्वालिफिकेशंस लेबॉर्टरी एप्लीकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफेंसिव और इन बैड टेस्ट अनदर वन ऑफ द मेजर कंप्लेंट्स अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट्स एज ऑफेंसिव टेस्टलेस इरीटेटिंग बोरिंग एबनाक्शस एंड सो ऑन कुछ कंप्लेंट्स ये हैं कि या ये बोरिंग है ऑफेंसिव है जारहाना है टेस्टलेस है जारहाना की बड़ी मिसालें दी सकती हैं मैं समझता हूँ किलबा वालबात एक्सरसाइज करते वक्त ये चीज़ ला सकते हैं सामने इनको असाइनमेंट दी जा सकती है कि आप पाँच या दस ऐसे इश्तहार जो हैं उनको बयान करें जिनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती जिसे हम कह सकें कि यह इश्तहार ऑफेंसिव है टेस्टलेस है इरीटेटिंग है बोरिंग है वगैरह वगैरह तो ये चीज़ें आपके सामने बेशुमार मिसालें आपके मीडिया से के इश्तार से दिखाई जा सकती हैं टेस्ट इज सब्जेक्टिव दैट इज़ वट इज़ गुड टेस्ट टू वन मे बी बैड फॉर समेस्ट चेंजेस विद टाइम इवन एट वट इज़ ऑफेंसिव टूडे मे नॉट बी टू मारो द टाइप ऑफ अपील और द मैनर ऑफ प्रजेंटेशन ऑफ इरीटे कंज्यूमर फॉर एग्जाम्पल फीयर अपील इन डेडोरेंट्स अच्छा ये जितनी बातें हो रही हैं देखें आपने शुरू में भी पढ़ा कि ये सब रिलेटिवली रिलेटिव relative हैं इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस ज़माना कौन सा है किस ज़माने में इसकी सेंसिटिविटी का लेवल क्या है सोसाइटी कौन सी है और या वही सोसाइटी या उसमें समाजी तब्दीली आ चुकी है और आज ये चीज़ लोग जो आसानी से डायजस्ट कर रहे हैं आज से दस बरस पहले नहीं कर पाते थे मुझे याद है आकर कि शुरू शुरू में जब ये बनस्पति घी आए तो लोग अपने बनस्पति घी के डब्बे को बाजार से ख़रीदते वक्त थैले में छुपा कर लाते थे कोई देख ना ले क्योंकि लोग कहते थे हम तो देसी घी इस्तेमाल करते हैं जी फख्र के साथ कोई तो हमें देख ना ले कि हम बनस्पति घी इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में बनस्पति घी की अकसाम आई तो क्वालिटी का जो बनस्पति घी था उसको हम हाथ में पकड़ के लेके आते हैं लोगों को पता लगे हम तो इस क्वालिटी का बनस्पति घी इस्तेमाल करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्हीं दिनों में हम देखें कि जब डाइट ड्रिंक्स आना शुरू हुए तो लोग पीते नहीं थे छुप के पीते थे या लोग ये ना कहें यार तुम, तुम 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 मरीज हो तुम्हें शुगर है ठीक है लोग वेट कॉन्शियस नहीं थे अब ये है कि लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग कहते हैं यार डाइट है वो समझते हैं कि भाई ये बंदा वेट कॉन्शियस है और लोग कहते हैं हाँ जी हमारे पास है और आप मुख्तलिफ तकरीब के अंदर तमाम किया जाता है कि कुछ लोग जो वेट कॉन्शस हैं खाने पीने में एहतियात करने वाले लोग हैं या डाइट ड्रिंक्स भी होने चाहिए तो वक्त बड़ी अहम अहमियत का हामिल है एक वक्त में कोई चीज़ उसकी क्या हैसियत है और दूसरे वक्त में उसी चीज़ की हैसियत और इम्पोर्टेंस क्या है उसी मुआरे में जिस मुआरे में हम बात कर रहे होते हैं तो इस पूरे खेल के अंदर सोसाइटी की वैल्यूज़ और टाइम और प्लेस ये मैटर करेगा इसी तरीके से मिसाल दी गई माउथ वाश की और एंटी एंटाइड्रफ शैम्पू वगैरह की मिसाल दी गई है दे आर क्रिटिसाइज टू क्रिएट एंगजाइटी एंड फ़ियर टू बी रिजेक्टेड इन सोसाइटी अब हम बात कर रहे हैं कि इसका कौन सा अनएथिकल पहलू है जिस पर अब बात करने, करने की हम कोशिश करेंगे वो है कि इट क्रिएट्स मटेरियलिस्टिक डिमांड इसको भी कहा गया कि ये अनथिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होता है कि ये एडवर्टाइजिंग जो है ओवरऑल ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात हो रही है कि प्रोवाइड्स ए वाइटी ऑफ आल्टरनेटिव टू चूज फ्राम पीपल हैव फैंटेसीज फॉर कंज्यूमर्स सम पीपल क्रेव फॉर मटीरियल पोजेशंस एंड अदर्स फॉर कल्चरल एंड स्परिचुअल एनहेंसमेंट

Needs rather than merely showing how a product or service fulfills them. It surrounds consumers with the images of good life and convinces how the materialistic possessions lead to happiness in life. Now, when advertising hai, log advertisement TV is done. It is clear that life not going to Our living room is not going to be done. Our finances are not going be furniture तो ये एक लाइफ के अंदर से कनात पसंदी ख़त्म हो जाती है और एक तमाम एक टमटेशन पैदा होती है और ये बुनियादी तौर पर जिसका हमने कई मरत ज़िक्र किया जो कि एडवर्टाइजिंग का सरमाएदारी के साथ बड़ा ताल्लुक है ये सरमादारा मुशर है जो एडवर्टाइजिंग को आ, को प्रमोट करता है और ये एडवर्टाइजिंग है जो सरमाएदाराना मुशरे को को ज़िंदा रखती है और सरमादारी को फ़रोग देती है इसलिए कि सारा कारोबार इस पर चलता है लिहाजा लोगों में ये लाइफ स्टाइल जो है को चेंज करने की जो ख्वाहिश है वो पैदा करती है और ये कभी कभी ख़तरनाक साबित हो सकती है कि आपके अंदर रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश होती है जब तो आप वो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते तो आप फिर वो शॉर्टकट -कर तलाश करते हो जिससे आप जल्दी अमीर होने की कोशिश करते हो तो पोट्रेट दीज पोजन एज सिम्बल ऑफ स्टेटस सक्सेस सोशल एक्सेप्टेंस पॉपुलरिटी सेक्स अपीरेंस ऑन कि देखिए आप ऐसे होंगे तो आपका स्टेटस ज़्यादा होगा आपकी समाजी तौर पर कबूलियत बढ़ेगी लोग आपको बड़ा आदमी समझेंगे आपको बावकार आदमी समझेंगे आपको उमरा में शुमार होगा आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा आपकी शख्सियत के अंदर जासबीयत पैदा होगी वगैरह वगैरह एडवर्टाइजिंग कीप्स पेस विद डाइनमिक मार्केट इट इज़ ए मोटिवेटिंग फोर्स टू एग्जर्ट हार्डर टू क्रिएट एंड सेटिस्फाई अवर न्यू एंड नावल नीड्स मेक्स पीपल बाई द थिंग्स नॉट नीडिड ये भी हमने तफसीर से अभी ये बात पढ़ी आपके सामने कि जो चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती उसकी तलब पैदा करते हैं और ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं क्रिएटिक्स से प्रसुएसिव एडवरटाइजिंग फोस्टर डिसकंटेंट अमंग कंज्यूमर्स एंड एनकरेज दैम टू परचेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू सॉल्व डीपर प्रॉब्लम कम्परेटिव एडवर्टाइजिंग कंपरेटिव एडवर्टाइजिंग Is another unethical practice of advertising besides fraudulent and deceptive advertising. For example, the advertisement of Pepsi and Coca Cola, both the brands try to compare their brands and the series try to cut the features shown in their advertisements. Similarly, making the packaging or the names sounding similar to the major brands in the market. दी कॉम्पटिटर्स सेल देयर ब्रांड्स लाइक गोल्ड फ्लैक फॉर गोल्ड फ्लैक अब आप ये देखें यहाँ इसम के धोखे भी होते हैं बेशुमार मौक़ों पर हमने देखा मैं यहाँ मिसाल देना चाहूँगा जो मुझे मौजू लग रही है कि मसला बाटा की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में ये मशहूर है कि ये बड़ी पायदार होती है ड्यूरेबल होती है ये एक तासर है जो मेरे जहन में बचपन से बैठा हुआ है कि इनकी चीज़ें मजबूत बड़ी होती हैं टूटती बड़ी देर से हैं मैंने आम मार्केट से वो चप्पल पड़ी हुई थी उस पर लिखा हुआ था बाटा तो मैं उसे खरीद के ले आया लेकिन वो बड़ी सस्ती चप्पल भी नहीं घर में पहनने की चप्पल थी रबड़ की चप्पल थी तो कुछ दो दिन के बाद वो चप्पल किनारे से टूट गई मैंने कहा यार ये बाटा की चप्पल है ये टूट कैसे गई ये मैंने बाटा की दुकान से नहीं खरीदी थी एक ओपन मार्केट में जहाँ और कंपनियों की जूतियाँ पड़ी थी वो भी मौजूद थी वो उठा के ले आया जब मैंने उसको गौर से देखा साइड पर तो वो बाटा नहीं था बल्कि लिखा हुआ था बोटा पी ओ टी ए तो मैं धोखा खा गया तो इस तरह की जो एक डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग होती है और उसमें उसी तरह के नाम इस्तेमाल करके कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन में लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ये अनथिकल प्रैक्टिस इस तरह बहुत आम होती है ख़ासतौर से पैकेजिंग के अंदर ये काम बहुत ज़्यादा होता है मैं बाहर की दुनिया में जाकर देखा कि बात स्टोर्स के ऊपर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं आकर उनकी पैकेजिंग तो वही है लेकिन अंदर से चीज़ें जो थी वो जेनवन नहीं थी स्टीरियोटाइप advertising is often criticized of creating and perpetuating stereotypes through portrayal of women, ethnic minorities, and other groups. it involves presenting a group of people in a pattern or manner that lacks individuality. advertisers too often depict women as preoccupied with beauty, household duties, and motherhood, or show them. एज़ डकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स और सेक्शुअली प्रोवोकेटिव फिगर्स अब ये स्टूडियो टाइप बन गया कि औरत को जब भी दिखाना है तो हमने इसको एक सेक्स सिंबल के तौर पर डिस्प्ले करना है एट्रैक्शन के लिए वगैरह वगैरह या उसको कई मरतब तराज हुआ सक्रटरी के रोल में दिखा देना लेडीज सेक्रटरी वगैरह वगैरह तो ये वो एक स्टीडियो टाइप हैं जो बाद एडवर्टाइजिंग के जरिए पैदा होते हैं या थर्ड वर्ल्ड के जैसे के बारे में ये कहा जाता है या औरत जो बड़ी दबी औरत को तो बाहर नहीं निकलने दिया जाता है औरत निकलती नहीं है तो वेस्ट का बंदा वो समझता है शायद कि औरत को ताला लगा के रखा जाता है हालांकि जब वो आते हैं देखते हैं हमारे खेतों में एटी परसेंट औरतें काम कर रही हैं ऑफिस के अंदर औरतें काम कर रही हैं ऐसी सूरत नहीं है वो, वो पुण पुण पुराना ख्याल होगा ये पुराना ख्याल तो वेस्ट के अंदर भी ऐसा ही था कि जहाँ पर खातून को वो यम्य उजरत नहीं मिलती जो मर्द को मिलती थी तो उनको उजरत में भी फ़र्क था या उजरत में फ़र्क नहीं है अगर एक सीट के ऊपर मर्द है औरत है काम करी तो दोनों तो को एक ही जैसी तनख्वाह मिलती है सेल्फ रेगुलेशन अब यहाँ देखें यहाँ पर यह महसूस है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन कि भाई जब ये लोगों को ये एतराज़ात हो रहे हैं कि यहाँ पर यह ख़राबी है यहाँ ये खराबी है ये खराबी है, लोग अंडर हैंड मैथड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर यह फॉल्ट प्ले हो रहा है तो कोई कानून बनाया जाए कानून साजी की जाए उन्होंने कहा कानून साजी से बचो कानून साजी आई तो पकड़े जाओगे कानून साजी हुई तो आपको सज़ा मिलेगी आए जी हम जी ख़ुद ही अपने आप को रेगुलेट करते हैं हम अपने आप को पाबंद करते हैं कि विल गो फॉर सेल्फ रेगुलेशन अपने आप को खुद रजाकारा तौर पर पाबंद करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यहाँ पर एथिस की ज़रूरत महसूस हुई जैसे मैंने शुरू में कहा कि एथिस के पीछे मोरद सेंक्शन होती है इसकी वायलेशन पे कोई कानूनी सज़ा नहीं होती लेकिन इसकी पाबंदी करने से आपकी प्रोडक्ट आपकी मार्केट आपकी सर्विसेज का मैार और उसका इमेज बेहतर होता है कि यार वो बड़े एथिकल लोग हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिस पे यकीन ही नहीं करते वो कंपनी जो है जी बड़ी एथिकल है उसकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है जी तो जिसकी रिप्यूट अच्छी होगी उसकी बिजनेस अच्छा होगा तो लिहाजा आपके बिज़नेस के लिए आपका के एथिस को फॉलो करना आपके अपने मुशी मफाद में भी है अखलाक के एतबार से तो है ही लेकिन आपके माशी मफाद में भी है तो सेल्फ रेगोलेशन की ज़रूरत महसूस हुई आइडेंटिकल प्रॉब्लम हैव लेट दी एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कमिट दैम सेल्फ टू द आइडिया ऑफ सेल्फ रेगुलेशन यहाँ से पूरी दुनिया के प्रोफेशनल्स को यह ख्याल आया कि यार हम अपना जबता अखलाक खुद बना लें बना लेते हैं ताकि कानून से बचा जा सके और कानून साजी नहीं होनी चाहिए वरना हम मुश्किल में फंस जाएंगे फॉर मैनी ईयर्स दी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हैज़ प्रैक्टिस एंड प्रमोटेड वॉल्ट्री सेल्फ रेगुलेशन जैसे मैंने कहा कि रजाकारा तौर पर काफ़ी अर्से तक इन्होंने अपने रेगुलेशन को खुद जो है वो फॉलो किया मोस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड द मीडिया हैव रिकगनाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग कंज्यूमर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हैंस टेकन द इनिशिएटिव टू डेवलप सिस्टम्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ने जो मालकान हैं कंपनी के फिर मीडिया और फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लोगों ने खुद महसूस किया कि कंज्यूमर का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कायम करने के लिए हमें खुद सेल्फ़ रेगुलेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन फोर्सी सेल्फ रेगुलेशन एज लिमिटिंग द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस दैट मे रिजल्ट इन मोर स्ट्रिंजेंट एंड ट्रबल सम रेगुलेशन जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि उन्होंने कहा कि भी इससे पहले कि जी हुकूमत आ जाए इंटरफेयर करे आकर और उन्हें कानून बनाना पड़े जो बड़ा सख्त हो और हमें हमारी एडवर्टाइजिंग फ्रीडम को जो कांस्टेंट का का सामना करना पड़े बेहतर है कि हम खुद अपने जबाखलाक बना लें सेल्फ रेगुलेशन इन वर्ल्ड, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इनिशिएटेड इन कंप्लाइंस विद द ब्रिटिश कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस फॉर प्रिंट एंड सिनेमा एडवर्टाइजिंग इन दू के पैटर्न वो रखा सिमिलरली लेटर ऑन Independent Broadcasting Authority for Television and Radio Advertising did the same thing. Advertising Standards Authority ne UK ke Patent Park works independently and is financed by the advertising industry. The complaints received are examined and, if needed, advertisers are instructed to amend or remove the concerned advertisement. Ki agar तो ये इंस्ट्रक्शन है कि जी कि या तो इसे अमेंड करें तब्दीली करें या इसे रिमूव कर दें स्पेशल अटेंशन इज पेड टू चिल्ड्रन एड्स प्रोडक्ट्स सच एज़ स्विमिंग एड्स एंड डिवाइस कॉस्मेटिक्स एंड हाइपनोथेरेपी इस किस्म की चीज़ों में बच्चों के इश्तहार में खासतौर पर तोजो दी गई कि इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी ना आने पाए जो आने दी करो वजह क्या इन तमाम चीज़ों की कि इससे बिलाआर फ़ायदा किसको है इसके फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ कंपनी को है ग्राहक को तो है ही कि गाहक को अच्छी और पायदार चीज़ मिले वो धोखा ना खा जाए लेकिन वो धोखा ना खाने की बात तो है लेकिन आपका बिजनेस भी उससे पर मुतासर होता है अगर आप एक मरतब कस्टमर को धोखा दे देंगे तो दूसरी मरतब धोखा नहीं खाएगा लेकिन आपका बिजनेस जो बैठ जाएगा आपके बिज़नेस और कंपनी की क्रेडिबिलिटी जो मुतासर होगी लोग आप पर यकीन नहीं करेंगे जो यकीन नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं देंगे ना उसे ख़रीदेंगे ना उसको रिकमेंड करेंगे नतीजतन आपका बिजनेस मुतासर होगा क्या कोई बिजनेस मैन ये चाहेगा कि उसका बिज़नेस जो है वो उठता उठता नीचे गिर जाए जाहिर वो नहीं चाहेगा अगर वो नहीं चाहता तो उसको एथिकल प्रैक्टिस की तरफ़ आना पड़ेगा और अनएथिकल प्रैक्टिस से इज्तना करना होगा नाजरीन और अजीज़ तलबा वालबात आज हमने एडवटाइजिंग एथिस की अहमियत के हवाले से आपसे गुफ्तू की एडवरटाइजिंग एथिस क्या हैं कौन कौन सी तंजीमें एडवरटाइजिंग के एथिस के हवाले से काम कर रही हैं और एडवरटाइजिंग एजेंसी के मसाइल के हवाले से गुफगू कर रही हैं इस पर हम अपनी अगली रिशिश में आपसे गुफ्तू करना चाहेंगे उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए खुदाफिज़